मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रदेश में गौशाला खोलने वाली घोषणा के बाद प्रदेश सरकार गौशाला के जल निर्माण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत सभी जिला अधिकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग रखी गई। इंदौर जिले में देपालपुर व महू जनपद को प्रशासन ने प्राथमिक स्तर पर गौशाला के लिए चिन्हित किया है। इस बैठक में प्रशासन और अधिकारियों को गौशाला बनाने, उचित स्थान देखने के साथ पानी की व्यवस्था और उनके चारे चरने की जगह के साथ रहने के लिए शेड बनाने जैसे दिशा निर्देश दिए गए। इसकी जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर ने बताया कि अभी इंदौर के पास महू जनपद और देपालपुर क्षेत्र की भूमि को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन करने का विचार बना रहे हैं। इसकी गौशाला को खोलने के लिए सरकार ने हाईवे के पास की भूमि को चयन करने का निर्देश दिया है। ऐसा करने से जानवरों के कारण सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और बेघर जानवरों को घर मिल जाएंगे। वीसी के अंदर गौशाला को लेकर कोई निर्णय लिए गए? वीसी में देखिए, हमको गौशाला से संबंधित ये निर्देश दिए गए हैं कि हमें तत्काल से कोई लैंड आइडेंटिफाई करना है। लैंड कोशिश ऐसी करनी है कि जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी हो, वाटर रिसोर्स आसपास में हो, ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गौशालाओं में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। एंड उसके अलावा 100 गाय के लिए 1 एकड़ का वो हो, शेड वगैरह बने पूरा का पूरा, और उसके अलावा 5 हेक्टेयर के आसपास भूमि हो जिसमें चारागृह डेवलप किया जा सके। चारागृह जो डेवलप हो सकता है वो हम लोग वन भूमि में करवा सकते हैं, क्योंकि वन भूमि में उसमें कोई उसका वो चेंज नहीं हो रहा है, बस वहाँ पे प्लांटेशन का ही काम कर रहा है, फोर्डर ही डेवलप होगा, तो वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होना नहीं है, तो इसलिए वन के भूमि भी ली जा सकती है। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग पायलट बेसिस में हम लोग महू जनपद और देपालपुर को ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की समस्या नहीं आएगी, तो नंबर वन और प्लस हमें लैंड भी काफ़ी ईजिली मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग ये सोच रहे हैं कि महू में, क्योंकि वेटरनरी कॉलेज भी है, यदि किसी प्रकार की उनको समस्या आती है या जानवरों को प्रॉपरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से इमीडिएटली इसको भी, इस ग्रीवांस को भी डिटेस किया जा सकेगा। ये चूँकि स्ट्रे एनिमल्स हैं, हाँ। और ये एक्चुअली कि हाईवे के आसपास ही जमीन चिन्हित की जाए, ताकि स्ट्रे एनिमल जो एक्सीडेंट हो, कई बार बड़े दुर्घटना, कोशिश हमारी यही है कि हाईवे के आसपास ही हो, क्योंकि निर्देश में हमको इसी प्रकार की मिला है, क्योंकि इसका जो मकसद यही है कि दो तरह के मकसद हैं, एक तो निराश्रित पशु को घर मिल जाए, और दूसरा ये है कि किसी प्रकार को कुछ एक्सीडेंट वगैरह की जो संभावना रहती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जो हो जाते हैं, हाईवे है हमारा, स्टेट हाईवे है या फिर नेशनल हाईवे है, तो उसमें लेकिन ये है, हमें मुद्दे की बात ये है कि वहाँ पर ज़मीन मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें ज़मीन ऐसी जगह पे मिल रही है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी रहता है कि हम लोग नगर निगम की मदद लेकर या फिर हमारे खुद के ग्राम पंचायतों के अमले से वो ऐसे स्टेट पशुओं को वहाँ से वाहनों के माध्यम से वहाँ पे पहुँचाया जा सके, ये भी किया जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पास में ज़मीन मिल रही है, तो थोड़ी बड़ी जगह अगर हमको थोड़ी अंदर भी मिल रही है, तो आई थिंक वो भी वर्क कर सकता है। इसके अलावा कोशिश हम ये कर रहे हैं कि वहाँ से थोड़ा सा इकोनॉमिक मॉडल डेवलप किया जा सके, कि जैसे कि क्योंकि गोबर वगैरह होता है, गोबर से संबंधित हमारे आसपास जो समूह होंगे, हम तो NRLM वगैरह जो समूह होंगे उनको संचालित के लिए इसमें अट्रैक्ट करेंगे, ताकि उनको भी थोड़ा सा सशक्तिकरण मिल जाए, इसको इस तरह से बन जाए कि उनका जो यूरिन होता है वो इकट्ठा हो जाए, और जो डिस्टिलेशन वगैरह होता है यूरिन, उन सब जगह पहुँच पाए, मतलब जो भी मार्केट हम लोग कम एक्सप्लोर कर सकते हैं।